हेलो एवरीवन, दिस इज 27th जुलाई सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू इज सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। द सेकेंड इशू इज यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा लीगली एंड सिक्योरली। द थर्ड इशू इज अ न्यू पुश इन बे ऑफ बंगाल। एंड द फोर्थ इशू इज रॉयल ब्यूरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी फ्रॉम आसाम मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। ये जो इशू है ये कौन कौन सा टॉपिक कवर करता है? इम्पोर्टेंट फॉर प्री प्लस मीन्स गवर्नर्स पावर एंड फंक्शंस इशू ऑफ फेडरलिज्म। मीन्स का क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? इज गवर्नर सबवर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय रेफरिंग मोस्ट ऑफ द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर टू द प्रेसिडेंट हु एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट एज सीन इन द रिसेंट ईयर्स। व्हाट इज इशू? द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू एग्जामिन एज गवर्नर्स रेफरिंग क्रूशियल बिल्स टू द प्रेसिडेंट हु सोलेली एक्ट on the advice of the center are opening the doors for union interference in the legislative domain of the state thereby subverting federalism. supreme court ek issue ko examine karne ke liye ready hua hai. issue ye hai ki governor jis tarah se recent years mein crucial bills ko president ke liye refer kar raha hai aur president ki taraf se usko na pass kiya ja raha hai aur na hi state legislative को किसी तरह का इंफॉर्मेशन बिल के रिगार्डिंग दिया जा रहा है। क्या ये स्टेट की लेजिस्लेटिव डोमेन में यूनियन इंटरफेरेंस के तौर पे देखा जा रहा है? क्योंकि कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है तो उसको गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास जब उसको रेफर किया जाता है, प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर लेता है। तो यहाँ पर इशू यह रेज होता है कि क्या स्टेट डोमेन में आने वाले लेजिस्लेटिव बिल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर बढ़ रहा है जिसकी वजह से फेडरलिज्म सबवर्ट किया जा रहा है। द डिसीजन ऑफ कोर्ट टू इंटरवेन कम इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला विच ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ इट्स गवर्नर हु केप्ट बिल्स पेंडिंग फॉर 2 ईयर्स बिफोर रिजर्विंग 7 ऑफ देम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हु हैज़ नो डिस्क्रिशन एंड एंटायरली डिपेंड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंटर। स्टेट ऑफ केरला की तरफ से कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया है जिसमें केरला के गवर्नर के द्वारा बहुत सारे बिल्स जो कि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए थे उनको या तो उसने पेंडिंग में रखा हुआ है या प्रेसिडेंट को रेफर किया है। प्रेसिडेंट की तरफ से भी किसी टाइप का कोई भी इंस्ट्रक्शन बिल के रिगार्डिंग नहीं आ रहा है और अबाउट 10 बिल्स ऐसे हैं जिनका जो कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास रेफर किए गए हैं बट उन बिल के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का इनपुट स्टेट को नहीं मिल पा रहा है कि वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं या अगर पास नहीं किया गया है तो क्या रीजन है जिसकी वजह से पास नहीं किया गया। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ केरला स्टेट? केरला स्टेट का इस इशू को लेकर क्या आर्गुमेंट है? स्टेट सेड द मशीनेशन ऑफ गवर्नर सॉ द सेंटर टेक डिसीजन ऑन इशूज एक्सक्लूसिवली कमिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट केरला स्टेट का कहना है कि ये जो गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट को जितने भी बिल रेफर किए जा रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेता है वो सेंटर के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो स्टेट ऑफ केरला का कहना है कि ये केरला के लेजिस्लेटिव डोमेन के ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डोमेन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट की जो पावर है उसको मिसयूज करके ऐसा किया जा रहा है। इट आर्ग्यूड दैट द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज लिमिटेड एंड कॉन्फाइंड टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज डिटेल इन प्रोविजन टू आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केरला का कहना है कि बिल को रिजर्व करने की जो गवर्नर की पावर है यानी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करने की गवर्नर की जो पावर है वो लिमिटेड है और आर्टिकल 203 में कुछ स्पेसिफिक सरकमस्टेंसेस वहाँ पर कॉन्फाइन किए गए हैं। वहाँ पर ये पूरा मेंशन किया गया है कि किस सरकमस्टेंस में गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की
कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। द प्रेसिडेंट हैज नॉट गिवन एनी रीजन व्हाट्सोएवर फॉर विदहोल्डिंग एसेंट फॉर 4 out of 7 बिल्स रिजर्व बाय द गवर्नर। प्रेसिडेंट की तरफ से किसी भी टाइप का रीजन नहीं आया है कि उसने जो बिल का एसेंट विदहोल्ड करके रखा हुआ है वो क्यों करके रखा हुआ है। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आर्टिकल 200 प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू द बिल एंड 201 प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट द केरला पिटिशन सेड। केरला पिटिशनर ने कहा है कि जिस तरह से बहुत सारे बिल्स जो कि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए हैं उनको जिस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, उसकी वजह से आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 200 और 201 का भी वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी की पावर हमें दी गई है, आर्टिकल 200 के अंदर प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू बिल, बिल पर प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर इसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 200 में, 201 में किया गया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बिल को रिजर्व किया जाता है, बट 200 के अंदर प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग एसेंट टू द बिल के लिए गवर्नर एसेंट देगा तो उसके लिए प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन किया गया है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस इशू के रिगार्डिंग। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर दियर एसेंट दे हैव 4 alternatives। आर्टिकल 200 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है उसके बाद अगर गवर्नर की एसेंट के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है तो 4 alternatives यहाँ पर होंगे। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल, गवर्नर बिल को एसेंट दे सकता है। मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल टू बिकम लॉ, वो बिल की एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, इट मीन्स वो बिल रिजेक्ट कर सकता है और वो लॉ नहीं बनेगा। थर्ड, मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न भी कर सकता है, मनी बिल अगर है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। और मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ कंडीशन, मैं वो बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस इंक्लूडिंग द शमशेर सिंह केस, द गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज दियर डिस्क्रेशनरी पावर वाइल विदहोल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। 1974 में शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर बिल्स पर अपने एक्सरसाइज डिस्क्रेशनरी पावर का यूज नहीं करता, जिस टाइम पर गवर्नर बिल पर जो भी एक्शन लेता है तो उस टाइम पर वो डिस्क्रेशनरी पावर का यूज नहीं करता है, स्पेशली अगर वो एसेंट को विदहोल्ड करता है या फिर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिटर्न करता है। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा करने के लिए उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। जबकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेता है और पॉलिटिकल रीजन की वजह से या तो वो एसेंट को विदहोल्ड कर देता है या स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल्कुल रिटर्न कर देता है। रूल ये है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका एडवाइस लेना चाहिए। द गवर्नर मस्ट रिजर्व सर्टेन वे लाइक दोज विच रिड्यूस द पावर ऑफ हाई कोर्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर को वही बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए जो कि कॉन्कोरेंट लिस्ट से रिलेटेड है या फिर हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड कोई बिल है। दे मे ऑल्सो रिजर्व बिल्स ऑन कॉन्कोरेंट लिस्ट दैट आर रेपोनेंट टू यूनियन लॉ बेस्ड ऑन मिनिस्ट्रल एडवाइस। इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी टाइप का ये टाइम लिमिट डिसाइड नहीं किया गया है कि गवर्नर कितने दिन के अंदर एक डिसीजन लेगा बिल के रिगार्डिंग। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम देर इज अ नीड फॉर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव। जिस तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए प्रेसिडेंट होता है उसी तरह से स्टेट की एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड भी होना चाहिए और उसके लिए गवर्नर को की पोस्ट यहाँ पर होती है।
गवर्नर एक्ट एज ऑन अपॉइंटिंग ऑफ द सेंटर हु मे बी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर सेंटर का एक अपॉइंटी के रूप में स्टेट के अंदर वर्क करता है, जो कि स्टेट के अंदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट मीन्स पूरे कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर हमें सिक्योर करना है तो उसके लिए गवर्नर हर स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एट द स्टेट। फेडरलिज्म क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, और इस तरह से गवर्नर की जो ऑफिस है उस ऑफिस के द्वारा इलेक्टेड स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर है उसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट द इशू, इस इशू के रिगार्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशंस थे सरकारिया कमीशन के? सरकारिया कमीशन 1987 हैज सबमिटेड दैट इट इज ओनली द रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दैट कैन बी इम्प्लाइड एज अ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। सरकारिया कमीशन ने अपने एक रिकमेंडेशन सबमिट की थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी बिल गवर्नर के द्वारा रिजर्व करके रखा जाता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, वो ओनली ऐसे बिल होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेशन से रिलेटेड है, या फिर किसी स्टेट के अंदर अगर कॉन्कोरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई बिल पास किया गया है और जिसमें कंट्री की इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। सेव इन सच एक्सेप्शनल केसेस द गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग फंक्शंस करने चाहिए और उसको मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर सारे डिसीजन लेने चाहिए। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सरकार या कमीशन ने यहाँ पर यह भी रिकमेंड किया था कि ये जो बिल गवर्नर के पास जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जो बिल जाता है, 6 मंथ के अंदर ये डिस्पोज हो जाना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट विदहोल्डिंग असेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट वेयर एवर पॉसिबल। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी असेंट विदहोल्ड करके रखी जाती है तो गवर्नर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, रीजन बताना चाहिए प्रेसिडेंट को कि क्यों बिल का असेंट विदहोल्ड करके रखा गया है। द पुंछी कमीशन 2010 हैड रिकमेंडेड दैट द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर दियर असेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ पर 6 मंथ का प्रोविजन सरकारी पुंछी कमीशन ने किया था, रिकमेंड किया था कि 6 मंथ के अंदर गवर्नर को ये रीजन बताना चाहिए या जो भी उसने बिल के रिगार्डिंग एक्शन लिया है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना चाहिए। हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। हालांकि पुंछी कमीशन के या फिर सरकारी कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थे अभी तक इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हाउ कैन दिस इम्पासी बी रिसोल्व, ये इशू किस तरह से सॉल्व किया सकते हैं? द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पासी विच प्लाउड अवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गुबर्नेटोरियल पोस्ट। गवर्नर के इस पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, यही वजह है कि हमारा फेडरल सेटअप कहीं ना कहीं प्लॉग्ड हो रहा है। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सीएन अन्नादुराई टू नीतीश कुमार हैव कॉल्ड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द सेंट गवर्नर्स पोस्ट इन पास्ट। कुछ पॉलिटिकल लीडर जैसे कि सीएन अन्नादुराई और नीतीश कुमार ने पास्ट में ये कहा है कि गवर्नर के पोस्ट को ही अबोलिश कर दिया जाए। एट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया जाना चाहिए और उसके अंदर एक प्रोविजन किया जाना चाहिए कि किसी भी गवर्नर की जब अपॉइंटमेंट होता है इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तो उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंछी कमीशन दैट गवर्नर्स मे बी रिमूव थ्रू एन इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। पुंछी कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थे उसमें ये भी इंक्लूड था कि गवर्नर को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाना चाहिए बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद द पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर। इस केस में अगर किसी स्टेट के अंदर अनकोऑपरेटिव गवर्नर है तो स्टेट लेजिस्लेचर की एक आर्म को पावर मिली होनी चाहिए। अगर इम्पीचमेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को मिल जाती है
तो स्टेट लेजिस्लेचर का एक आर्म स्ट्रोंग हो जाएगा, इट मीन्स वो गवर्नर को रिमूव कर सकती है। दीज अमेंडमेंट वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रिजल्टिंग इन रिस्पॉन्सिबल कॉपरेशन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर। ये अमेंडमेंट अगर कर दिए जाए तो इसकी वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फेडरलिज्म को इससे बूस्ट किया जा सकता है। यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा लीगली एंड सिक्योरली। ये जो इशू है ये पर्सनल डाटा एंड प्रोटेक्शन या फिर सोशल इशूज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। व्हाट इज इशू? देर इज अ नीड फॉर रोबस्ट डाटा प्राइवेसी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम में डाटा प्राइवेसी एंड उसका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ UDISE+ एंड APAAR प्लेटफॉर्म, कंसर्न्स अराइज रिगार्डिंग डाटा सिक्योरिटी, पेरेंटल कंसेंट एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंस कंप्लाइंस अंडर न्यू लॉ लाइक द DPDP एक्ट। जब से UDISE+ और APAAR प्लेटफॉर्म आए हैं तब से डाटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न देखे जा रहे हैं, डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, पेरेंटल कंसेंट से रिलेटेड। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया हैज अबाउट 15 लाख स्कूल्स, 97 लाख टीचर्स एंड 26.5 करोड़ स्टूडेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। इंडिया के अंदर अबाउट 15 लाख स्कूल्स हैं, 97 लाख टीचर्स हैं एंड 26.5 करोड़ स्टूडेंट हैं प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक। UDISE कलेक्ट एंड एक्सचेंजेस रियल टाइम डाटा ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। UDISE इट मीन्स यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये स्कूल से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है, उसको एक्सचेंज करता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन सभी से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है। इट मैनेज एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम थ्रू इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट। इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट के थ्रू UDISE एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करता है और इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग क्वालिटी इन पॉलिसी क्रिएशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। UDISE+ पॉलिसी क्रिएशन की क्वालिटी को एनहांस करता है, रिसोर्स एलोकेशन में रिसोर्स एलोकेशन कितना होना चाहिए एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर एडवाइस देता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने का भी काम करता है। व्हाट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इट वॉज डेवलप्ड इन 2018-19 टू रिप्लेस मैनुअल पेपर बेस्ड डाटा कलेक्शन। पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्क जो होता था, ज़्यादातर वर्क वो पेपर बेस्ड होता था, उसको रिप्लेस किया गया 2018-19 में और UDISE+ लाया गया। इट हेल्प्स इन एनहांस डाटा कैप्चर, मैपिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। डाटा कैप्चर या फिर उसका मैपिंग या वेरिफिकेशन प्रोसेस डाटा के लिए, यानी डाटा को कैप्चर करना है, मैपिंग करना है और उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस को इजी तरीके से और बेटर बनाने के लिए यहाँ पर ये UDISE सिस्टम लाएगा। UDISE+ 2021-22 इंट्रोड्यूस न्यू इंडिकेटर्स लाइक डिजिटल लाइब्रेरी स्टेटस, पीयर लर्निंग एंड हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। 2021-22 में इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी स्टेटस लाएगा, पीयर लर्निंग एंड हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, ये सारे प्रोविजन इसके अंदर किए गए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग इन स्कूल। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा कलेक्शन को मॉडर्नाइज करना और साथ में स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग जो होता है, अटेंडेंस जो होता है, उसको मॉडर्नाइज करना इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। व्हाट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR ID। इट मीन्स ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इट इज अ लाइफ लॉन्ग आईडी फॉर ऑल इंडियन स्टूडेंट टू ट्रैक एकेडमिक प्रोसेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। प्री प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक किसी भी स्टूडेंट का जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसके लिए अपार आईडी होता है। इट कनेक्ट विद डिजी लॉकर फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक एग्जाम रिजल्ट एंड रिपोर्ट कार्ड। एग्जाम रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड
से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए डिजिटल लॉकर होता है। इट्स एम इज टू सिंपलीफाई एजुकेशन, रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड इनेबल ट्रैकिंग ऑफ लिटरेसी एंड ड्रॉप आउट रेट्स। इसका जो मेन एम रहा है वो एजुकेशन को सिंपलीफाई करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करना है, और लिटरेसी एंड ड्रॉप आउट रेट को ट्रैक करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल रेफरेंस टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विद ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस एबल टू डिपॉजिट क्रेडिट्स। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और फ्रॉड सर्टिफिकेट पर को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फंक्शंस टू लिंक टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट, टू स्टोर एंड ट्रांसफर क्रेडिट एंड सर्टिफिकेट्स अक्रॉस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक बैंक क्रेडिट को स्टोर करना, उसको ट्रांसफर करने का वर्क भी ये करता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आजकल क्रेडिट सिस्टम आ चुका है। उन क्रेडिट सिस्टम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके लिए ये वर्क करता है। इशू ऑफ चिल्ड्रंस डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। UDISA+ प्लेटफॉर्म वॉज इस्टेब्लिश इन 2018 टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। अपार वॉज लॉन्च अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू प्रोवाइड यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर एंड एलोकेट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। बहुत कलर डाटा विच इंक्लूड्स डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट विद वॉलेंट्री कंसेंट। UDISA+ और अपार जो आईडी होती है, ये दोनों स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। साथ में स्टूडेंट का जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। UDISA+ 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि अपार जो इस्टेब्लिश किया गया था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था। सम एंटिटीज लाइक डिजी लॉकर एंड एडटेक कंपनीज कलेक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट विच कैन मिस यूज डाटा। कुछ एंटिटीज जैसे डिजी लॉकर और एड टेक कंपनीज, ये स्टूडेंट के जो पर्सनल डाटा होता है उसको वेरियस गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, बट गवर्नमेंट इस डाटा का मिसयूज भी कर सकती है। ये जो इशू था यहाँ पर, यही मेन इस इशू का एसेंस था कि गवर्नमेंट या फिर अदर प्राइवेट स्टेक होल्डर कहीं इस डाटा का मिसयूज ना कर दें। द DPDP एक्ट रिक्वायर डाटा कलेक्शन फॉर स्पेसिफाइड लेजिटिमेट प्रोसेस ओनली। DPDP एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि डाटा जो कलेक्शन किया जा रहा है वो स्पेसिफिक लेजिटिमेट पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क एंड थ्री पार्ट टेस्ट। राइट टू प्राइवेसी वॉज रिकोगनाइज इन जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्ड थ्री पार्ट टेस्ट असेसमेंट फॉर स्टेट एक्शन ऑन प्राइवेसी इंक्लूड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी दिया जाता है, और जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का एक केस है जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्टेंस दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड यहाँ पर थ्री पार्ट टेस्ट असेसमेंट का प्रोविजन किया था, जिसमें लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी तीन प्रोविजन किए गए थे। आधार इंटीग्रेशन इन अपार UDISA+ मस्ट मीट दीज कंडीशंस, इंश्योरिंग मेजर्स अगेंस्ट डाटा थेफ्ट एंड साइबर ब्रीचेज विच इज असेंशियल ड्यू टू द सेंसिटिव नेचर ऑफ चिल्ड्रन पर्सनल डाटा। चिल्ड्रन का जो पर्सनल डाटा होता है सेंसिटिव नेचर का होता है, और इस तरह से अगर वो डाटा का थेफ्ट या साइबर ब्रीच होता है तो ये कंट्री के लिए या फिर चिल्ड्रन की प्राइवेसी का कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। अ न्यू पुश इन बे ऑफ बंगाल। ये जो इशू है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, मेंस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ये सिलेबस को कवर करता है। मेंस का क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। वाई न्यूज। इंडिया होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट इन न्यू दिल्ली, क्रिएटिंग अ इन इनफॉर्मल फॉरम टू इन्हांस रीजनल कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी कनेक्टिविटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन बे ऑफ बंगाल। न्यू दिल्ली के अंदर अभी बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट होस्टेड हुआ है, सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट था, और जिसमें रीजनल कोऑपरेशन
इन सिक्योरिटी कनेक्टिविटी एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर इशूज को डिस्कस किया गया था। व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक विच इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इस्टेब्लिश इन जून 1997। बिम्स्टेक जिसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के रूप में जाना जाता है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 1997 में इसको जून मंथ में इस्टेब्लिश किया गया था। इट हैज़ सेवन मेंबर कंट्रीज विच आर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सेवन मेंबर कंट्रीज हैं इसके। द एम्स ऑफ बिम्स्टेक इज टू फोस्टर मल्टी फेसेट कॉपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। बिम्स्टेक का जो मेन एम है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से कॉपरेट करना है इन सभी सेक्टर में। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ईस्टर्न टाइज? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथ करने का क्या इम्पोर्टेंस है एड में? बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ अगर हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस हो? नंबर वन, प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया सकता है। नंबर टू, इम्पोर्टेंट फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बे ऑफ बंगाल रीजन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को यहाँ पर बूस्ट किया जा सकता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसको अगर हमें कम करना है तो इस रीजन के मेंबर कंट्रीज के साथ हमें अपने जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथ करना होगा। नंबर थ्री, सिग्निफिकेंट फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में चाइना के डोमिनेंस की वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बेटर तरीके से बना के रखें। मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिट्रीट, अभी जो ये रिट्रीट समिट हुआ है इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? सेकेंड, बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट वॉज स्ट्रक्चर्ड इंटू टू मेन सेगमेंट, टू मेन सेगमेंट में इसको स्ट्रक्चर किया गया था। नंबर वन, असेसमेंट ऑफ रीजनल कॉपरेशन, द फर्स्ट सेगमेंट फोकस ऑन इवेल्युएटिंग द करंट स्टेट ऑफ कॉपरेशन विद बिम्स्टेक बिल्डिंग ऑन आउटकम्स फ्रॉम द प्रीवियस रिट्रीट। फर्स्ट सेगमेंट में रीजनल कॉपरेशन को इवेल्युएट किया गया। यहाँ पर लास्ट जो भी रिट्रीट मीटिंग हुआ था उसके आउटकम्स को बिल्ड किया गया। All member states have discussed various initiatives, including the establishment of centers of excellence in areas like agriculture and maritime transport, and emphasize the importance of private sector involvement in trade and entrepreneurship. ये सारे issues यहाँ पर discuss किए गए हैं। Number two, expectations for the upcoming summit. इस retreat के अंदर ये भी decide किया कि आने वाले time में दोबारा से इन countries का BIMSTEC का summit कब होगा। की प्रपोजल्स मेड फोकसिंग ऑन मैपिंग मिनरल रिसोर्सेज, प्रोमोटिंग द ब्लू इकोनॉमी, एनहांसिंग टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेज। इस सेकेंड सेगमेंट के अंदर मिनरल रिसोर्सेज का मैपिंग किया गया, ब्लू इकोनॉमी को प्रोमोट करने के लिए कुछ डिस्कशंस यहाँ पर किए गए, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज को एनहांस करने के लिए भी सभी मेंबर कंट्रीज ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। बायलेटरल इशूज डिस्कस्ड इन रिट्रीट, इस समिट में कुछ बायलेटरल एग्रीमेंट भी अलग अलग कंट्रीज के साथ किए गए। नंबर वन, इंडिया म्यांमार इशू। नंबर टू, इंडिया बांग्लादेश इशू। इंडिया ने म्यांमार के साथ कुछ यहाँ पर इशूज को डिस्कस किया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एड्रेस्ड इशूज विद म्यांमार रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, नारकोटिक्स एंड आर्म्स अक्रॉस द बॉर्डर एंड अस द रिटर्न ऑफ अनलॉफुली डिटेन इंडियन नेशनल्स। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने म्यांमार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फ्लो ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के इशू को डिस्कस किया, नारकोटिक्स एंड आर्म्स से रिलेटेड यहाँ पर इशूज को डिस्कस किया। साथ में यहाँ पर अनलॉफुली डिटेन किए गए कुछ इंडियन नेशनल म्यांमार के अंदर, उनको रिटर्न करने के लिए अर्ज किया गया। इंडिया बांग्लादेश इशू, मिस्टर जयशंकर वॉज रिक्वेस्टेड टू बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर टू इंश्योर द स्मूथी सप्लाई ऑफ डेली असेसमेंट एसेंशियल्स एंड सेंड अ टेक्निकल टीम फॉर द तीस्ता प्रोजेक्ट सिग्निफाइंग एफर्ट्स टुवर्ड रिसॉल्विंग लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न। इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डेली एसेंशियल्स आइटम की सप्लाई को स्मूथ करने के लिए कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए। तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल टीम सेंड करने के लिए भी यहाँ पर एग्रीमेंट किए गए। लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न,
को सॉल्व करने के लिए भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। रॉयल ब्यूरो माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी फ्रॉम आसाम मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। प्री प्लस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। फाइव इन न्यूज, इंडिया विल हैव बीन होस्टिंग 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम जुलाई 21 to 31 एट भारत मंडपम इन दिल्ली। भारत मंडपम दिल्ली में इंडिया 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जुलाई 21 से कंटिन्यू चल रहा है और 31 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगा। इट मीन्स पहली बार इंडिया को ये मौका मिला है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को लीड कर रहा है। आसाम मॉडम्स द माउंट्स ब्रुले सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी विल बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन दिस सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, इसमें आसाम के मॉडर्न्स जो कि माउंट ब्यूरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी का, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए इंडिया की कोशिश की जा रही है। करंटली 1199 प्रॉपर्टीज फ्रॉम 168 कंट्रीज आर ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। 168 कंट्री की लगभग 1199, इट मीन्स 1200 प्रॉपर्टी यहाँ पर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। वट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड इन 1945। इट्स हेडक्वार्टर इज एट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन पेरिस फ्रांस। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि 1945 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस के अंदर है। इट्स एम इज टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन फाइव की प्रोग्राम्स एरियाज, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइव प्रोग्राम एरियाज के बेस पर कोऑपरेशन को बढ़ाकर, इंटरनेशनल लेवल कोऑपरेशन को बढ़ाकर पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना इसका टारगेट है। अब यह किन किन प्रोग्राम एरियाज को कवर करता है? एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल और ह्यूमन साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। यूनेस्को इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, दैट इज द रीजन यूनेस्को प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट टू अचीव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइंड इन द 2030 एजेंडा एडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2015। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक मेंबर है और यही वजह है कि यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 2030 तक के लिए बहुत सारे एजेंडे इसमें टारगेटेड किए गए हैं। 2015 में यूनियन जनरल असेंबली के द्वारा इन टारगेट को अडॉप्ट किया गया था। यूनेस्को जो इन एक्टिविटीज हैव एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स, इट एड्स इन द ट्रांसलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस, वर्क टू ब्रिज द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। यूनेस्को की एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया गया था। अब ये वर्ल्ड लिटरेचर को ट्रांसलेशन या फिर उसके डिसेमिनेशन में भी हेल्प करने लगा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके प्रोटेक्शन और उनके एस्टेब्लिशमेंट में असिस्मेंट करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। ग्लोबली जो डिजिटल डिवाइड गैप है उसको ब्रिज करने में भी हेल्प करता है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WSC कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज इलेक्टेड बाय दियर जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को विच मीट्स वंस अ ईयर। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 21 मेंबर स्टेट का एक ग्रुप है जो कि यूनेस्को की जनरल असेंबली के द्वारा ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और इनका मीटिंग ईयर में एक बार होता है। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फंड, इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन एंड एलोकेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट पार्टी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, एग्जामिन द कंजर्वेशन ऑफ इंस्क्राइब प्रॉपर्टीज एंड रिक्वेस्ट एक्शन फ्रॉम स्टेट पार्टी इफ प्रॉपर्टी आर नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करता है कि किस मेंबर कंट्री को जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको कितना फंडिंग किया जाना है, कॉन्वेंशन कब किया जाना है और
किस प्रॉपर्टी को लिस्ट में इंक्लूड करना है या फिर रिमूव करना है, इससे रिलेटेड सारे डिसीजन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं। दिस कमेटी ऑल्सो डिसाइड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी को ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, ये सब डिसाइड यही करते हैं। वट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी हैं उन्हें हम आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं। द कन्वेंशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेजर्स एंड नेचुरल एरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कल्चरल ट्रेजर्स हैं, नेचुरल एरियाज हैं, उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्शन करना इंटरनेशनल लेवल पर इसका मेन वर्क है। वर्ल्ड हेरिटेज जो ऑर्गेनाइजेशन है, द साइट्स आर कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स। ये जो साइट्स हैं इनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया सकता है। नंबर वन कल्चरल हेरिटेज साइट, इसमें जितने भी कल्चरल इंपॉर्टेंस रखने वाली जगह हैं उनको इंक्लूड किया गया है। नंबर टू नेचुरल हेरिटेज साइट, नेचुरल प्लेसेस जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर स्पीसीज के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नंबर थ्री मिक्स हेरिटेज साइट, जहाँ पर कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो मिक्स हेरिटेज साइट में आ जाती हैं। इटली हैज द मैक्सिमम वर्ल्ड साइट्स, 59 है इटली के अंदर। चाइना के अंदर 57 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जर्मनी के अंदर 52 है, फ्रांस के अंदर 42 एंड स्पेन के अंदर 50 है। इंडिया हैज 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया के अंदर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 34 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज है, 1 मिक्स साइट है। इट रैंक्स सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के नंबर के हिसाब से। इंडिया हैज 57 साइट्स ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया के 57 साइट्स हैं। आसाम मॉडम्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आसाम के मॉडम्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। ड्यूरिंग द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली, द 700 ईयर ओल्ड माउंट्स ब्रूल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, द मॉडम्स फ्रॉम आसाम विल बी कंसिडर्ड फॉर नॉमिनेशन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आसाम के मॉडम्स जो कि 700 ओल्ड ईयर पुराने हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इट विल बी द फर्स्ट नॉमिनेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द कल्चर कैटेगरी। कल्चरल कैटेगरी के रूप में नॉर्थ ईस्टर्न का ये फर्स्ट नॉमिनेशन होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कोई भी रीजन कल्चरल साइट नहीं है जो यूनेस्को की लिस्ट में। आसाम ऑलरेडी हैव टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द नेचुरल कैटेगरी। नेचुरल कैटेगरी की जो साइट है, टू साइट्स आसाम से पहले से ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क और मनास नेशनल पार्क दोनों आसाम के अंदर है। व्हाट आर मॉडम्स? मॉडम्स मॉडम्स और मैडम्स क्या है? द मॉडम्स और मैडम्स आर द माउंट ब्रूल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी विच बिलोंग टू 13th सेंचुरी 19th सेंचुरी। मॉडम्स क्या है? ये अहोम डायनेस्टी की ब्रूल सिस्टम है जो कि 13th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। द अहोम रूल लास्टेड फॉर अबाउट 600 ईयर्स अंटिल द ब्रिटिश एनेक्स्ड आसाम इन 1826। 6 ईयर पहले से ब्रिटिश टाइम पीरियड तक 1826 तक अहोम का रूल था। द माउंट ब्रूल सिस्टम ऑफ द रॉयल ऑफ द अहोम डायनेस्टी इन आसाम कैडियो डिस्ट्रिक्ट कैन बी आइडेंटिकल टू द रॉयल टॉम ऑफ द एंशियंट चाइना एंड द पिरामिड ऑफ द इजिप्टियन फारो। इजिप्ट में फारो के जो पिरामिड हुआ करते थे, चाइना के अंदर रॉयल टॉम्स हुआ करते थे, उसी की तरह ये माउंट ब्रूल सिस्टम है अहोम का आसाम के अंदर। कैरोडो मोर देन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी फाउंडेड बाय द चाओ लंग स्यू का फा इन 1253। कैरेडो जो कि गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर पड़ता है, ये पहली कैपिटल थी अहोम डायनेस्टी की। और अहोम डायनेस्टी को फाउंड करने वाला जो बंदा था वो या किंग था वो चाहो लुंग स्यू का फा, ये किंग का नाम है। इसने अहोम डायनेस्टी को फाउंड किया था और 1253 में इसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। प्रीवियसली डिसीज्ड पर्सन वर ब्रूड विद दियर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट आफ्टर द 18th सेंचुरी द अहोम रूलर्स अडोप्टेड द हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन एंटोम्बिंग द क्रिमेटेड बोन्स एंड एशेस इन अ मॉडर्न और कैडियो।
पहले डिसीज पर्सन की जो बॉडी हुआ करती थी उसको इम्पोर्टेंट थिंग्स के साथ ब्रीड किया जाता था। 18th सेंचुरी के बाद में अहोम रूलर्स ने हिंदू मेथड ऑफ क्रिएशन को फॉलो किया, जिसमें क्रिमेटेड बोन्स या एसेस को मोडेम में एंटोमिंग किया जाने लगा। द मोडेम्स एनश्राइन द मोरल रिमेंस ऑफ अहोम रॉयल्टी एंड आर हाईली वेनरेटेड। मोडेम्स अहोम रॉयल्टी की एक मोरल रिमेंस को कहना रिप्रेजेंट करता है आज के डेट में। ड्यू टू वैंडलिज्म बाय द ट्रेजर सीकर्स इन अर्ली 20th CE, ग्रुप ऑफ मोडेम्स इन कॉडियो हैज बिन सिस्टमेटिकली रिस्टोर टू सेफ गार्ड इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। क्योंकि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ट्रेजर फाइंड करने के लिए इस तरह के मोडेम्स का वैंडलिज्म किया गया था, और कैरेडियो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोडेम्स ग्रुप के लोगों ने इन मोडेम्स को प्रिजर्व करने के लिए और इसकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए सिस्टमेटिकली तरीके से प्रोटेस्ट किए, और उनको आज भी ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।